अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में आपका स्वागत है। देखो आज एक फिर एक नवा कुकिंग लेकर आ गया, नया रेसिपी। अंडा, टमाटर, कांदा, हरी मिर्ची चार, आधा कोकोनट लिया और ये दही है 100 ग्राम, जीरा, छोटे इलायची, लौंग, दालचीनी, ये देखे आज एक रेसिपी बनेगा तो अच्छा नवा। पूरा वीडियो टा देखते रहो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो शुरुआत करी, पहले मसाला सब इसका अंदर सब डाल के मसाला पीस लेती हूँ। पहले ये जो है ना, पहला ये मसाला डाल देती हूँ। चलो इसमें देखो का चार कांदा था, दो टमाटर था और ये चार एग लिया, आप ज़्यादा भी एग ले सकते हैं। चलो अभी मसाला पूरा पीस लेती हूँ और मसाला कैसा जाएगा, हल्दी मिर्ची पाउडर वो सब बताऊंगी एक एक करके, वीडियो पे बने रहो। मसाला पीस के लेके आ गए, ये देखो मैंने कटोरे में डाल दिए और ये जो नवा बटाटा है मैंने इसको उबाल लिया दो सीटी से, इसको भी फ्राई कर लूँगी और जो चार अंडा है उसको भी फ्राई कर लूँगी। अभी तेल गर्म हो गया, एक करके डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, इसमें थोड़ा हल्दी डाल देती हूँ। अंडा फ्राई करके अंडा बनाते ना, इसकी लज्जत ज़्यादा हो जाता है, टेस्ट बहुत होता है। जब भी बनाना फ्राई करके बनाना, अच्छा लगेगा खाने में। डाल करके देखो अंडा फ्राई हो गया, अभी बटाटा दे दिया, अभी बटाटे को फ्राई कर लेती हूँ। ये भी थोड़ा लाल लाल हो जाएगा तो निकाल लेने का। देखो फ्राई हो गया, एक एक करके निकाल लेती हूँ। देखो देखो अच्छे से फ्राई कर लिया है, अभी सालन चढ़ाने के लिए उसमें कितना मसाला जाएगा क्या सब बताएंगे आप लोग को। ये तेल से मैंने अंडा और बटाटा फ्राई करी थी, वही तेल में दो तेज़पत्ता डाल देती हूँ और जीरे एक चम्मच डाली, उसमें भी एक चम्मच डाली थी पीसने का टाइम। अभी इसका अच्छा से तड़कने दो, थोड़ा पीस कर रखी और थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ क्योंकि एक साथ में देगा ना तो बहुत ये हो जाता है, गर्म तेल है ना। देखो मसाला भुनने आ गया, अभी मैं एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, उसको भी अच्छा से मिक्स कर लूँगी। अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा गैस आस्ते कर, कढ़ाई जो है ना बहुत गर्म हो गया था। अब उसमें जो मसाला ली, ये मसाला देखो ये चम्मच भर के एक एक चम्मच लिए, ये भी डाल देती हूँ। जो मसाला है ये डाल देती हूँ, इसको मिक्स कर लेती हूँ। अभी ये दही है, दही डाल देती हूँ क्योंकि जब बटाटा फ्राई करने के टाइम थोड़ा सा नमक गए थे, सुबह पानी तो ये जो पानी था मिक्स कर पानी था वो डाल देती हूँ, मिक्स कर लेंगे। जो अंडा है सब डाल देते हैं, बटाटा भी डाल देंगे तो जल्दी जल्दी पक जाएगा। ढक देते हैं थोड़ा टाइम के लिए, हो गया एक मिनट जबरदस्त ग्रेवी। ये रेसिपी का नाम था अंडा दही कोकोनट ग्रेवी। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना। आई होप आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, स्टेप बाय स्टेप देखा होगा। तो वीडियो कैसा लगा करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और अच्छा अच्छा नया रेसिपी आप लोग को देखने मिले। और कौन सा रेसिपी आप लोग देखना चाहते हो कमेंट्स करके बताना। बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़।